लाडोबेल टोल प्लाजा पर कांग्रेसियों का धरना दूसरे दिन शनिवार शाम को एनएचएआई के आश्वासन के बाद खत्म हुआ। इससे पहले सोमा कंपनी के कुछ अधिकारी धरने पर बैठे सांसद बिट्टू और कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु से मिलने पहुंचे और बातचीत की। बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेसियों ने टोल प्लाजा बंद कर दिया था। इस दौरान गाड़ियां बिना शुल्क निकलवाई गई और इसी बीच रात भर कांग्रेसी धरने पर बैठे रहे। देखो साफ साफ जड़िया तरीका दिखा है इस वे सोमा वालिया ने भी तरीक दी है तो नैशनल हाईवे भी साफ तौर पर जिन्ना वो कह सकते कह गए भी असं इन्हों का टोल आ जोड़ा वो टेक ओवर करवाएंगे जे 30 जून में यह कम नहीं जोड़ा खत्म करते जोधेवाल बस्ती वाला 30 जून में इन्हों कम खत्म करना पेगा। उदू बाद जोड़ा 311 अपोलो हॉस्पिटल आ 312 कैंसर हॉस्पिटल आ 15 अप्रैल में यह उत्थे कम शुरू करे 15 अप्रैल में यह कम शुरू करे 31 जनवरी यह कम उ जिहड़ा 2020 खत्म करनगे ये अज तिना का यह भरोसा दे के गए ने। इन्होंने जो आज कमिटमेंट किया है कि 30 जून तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, 316 वाला, 311, 312 का 31 जनवरी 2020 तक कंप्लीट करेंगे। अगर वो डेडलाइन फेल होता है इनका तो इसको जो बैलेंस काम है इसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से प्रोविजन होगा कंपटेंट अथॉरिटी डिसीजन लेंगे और अकॉर्डिंगली वो डिसीजन आगे फॉलोअप होगा। मैं ना इन्ना सुकून महसूस कर रहा इस गुंडागर्दी तो राहत कल नरेंद्र आदे वकील नहीं पई आ पूरी आवाम यह राहत मिली आ यह राहत जी पूरे लुधियाने के जिन्हें भी समाजिक आगू आ राजनीति आगू और जनता की आवाम के सहयोग न राहत मिली आ बहुत ही शलाघा योग है जी बहुत शलाघा योग है। इस तरह की ही सोच जिस तरह की MP साढ़े बिट्टू जी ने सोच रखी आवाम की राखी करन दी आवाम आर्थिक तंगी तो कढ़ने की इस तरह की जी सोच हर MLA MP में चाहिए आ।